तो गाइस अपने गेम के अंदर आने वाला था 23 मार्च को ओवी का अपडेट, जो कि अभी तक नहीं आया है। और उसके आने के बाद फिर आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलने वाले थे अपने गेम में। जैसे आपको न्यू करेक्टर देखने को मिलने वाला था और भी काफ़ी कुछ, यहाँ पे गन के स्किन, एबिलिटी, फ्री करेक्टर्स, काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलने वाला था। बट गाइस आपको 23 मार्च को सिर्फ 40 MB का एक अपडेट दे दिया गया, जिसमें कुछ नहीं आया, ना बैनर आया, ना लोगो आया, कुछ भी नहीं आया। एंड गाइस जो अपना BTS वाला इवेंट था वो भी 23 मार्च के सुबह में ही आ गया था, यानी अपने पैच अपडेट आने से पहले आ गया था। तो देखा जाए तो 23 मार्च के बाद अपडेट के बाद कुछ भी नहीं हमें देखने को मिला है। तो गाइस आज मैं ये बताने वाला हूँ कि बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल बिना थर्ड पार्टी का यूज किए हुए आप अपने गेम को कैसे अपडेट कर सकते हो, कैसे न्यू फ्री फायर यहाँ पे इंस्टॉल अप कर सकते हो। एंड साथ में ही उसका 400 MB का लाइट वर्जन भी आने वाला था, तो उसको कोई कैसे डाउनलोड कर सकता है अगर उसका 2 GB या 1 GB रैम का फोन है, या अगर आपका फोन लैग करता है तो भी आप उसको यूज कर सकते हो। जो चैनल पे नया वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप भी करना, नहीं तो आपकी ID भी बैन हो सकती है, क्योंकि फ्री फायर ने पहले ही कर दिया था कि अगर आप थर्ड पार्टी यूज करते हो या और किसी तरीके से अपडेट करते हो तो आपकी ID भी बैन हो सकती है। तो सबसे पहले गूगल में आकर के सर्च कर लेना ffgarena.com, उसके बाद फिर इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा वेबसाइट आ जाएगा जो फ्री फायर का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब जैसे मैं अपडेट करूंगा वैसे ही करना, वीडियो को थोड़े अच्छे से देखना, थोड़ी समझने की ट्राई करना। तो यहाँ पे देख सकते हो अपना जो ऐप है यहाँ पे इंस्टॉल, मतलब कि ओपन हो चुका अपना जो वेबसाइट है। उसके बाद फिर देख सकते हो अपना लेटेस्ट जो पैच अपना आने वाला था, उसमें आपको काफी कुछ चेंज यहाँ पे देखने को मिलने वाले थे। यहाँ पे आप करेक्टर्स को पैच कर सकते थे। एंड गाइस यहाँ पे एक नया करेक्टर आने वाला था, देख लो यहाँ पे फ्री करेक्टर्स मिलने वाले थे लिंक करने के लिए, जो कि आपको डायमंड नहीं बिल्कुल कॉइन से मिलते हैं। यहाँ पे नया करेक्टर आने वाला था यहाँ पे केंटा नाम का, जिसमें आपको काफी अच्छी एबिलिटी मिलती। उसके बाद फिर गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो ये उसका एबिलिटी एक शील्ड बना देता। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हो A124 का यहाँ पे एबिलिटी भी चेंज होने वाला था, यहाँ निकिता करेक्टर का एबिलिटी चेंज होने वाला था, और भी काफ़ी कुछ यहाँ पे अपडेट आने वाला था जो कि नहीं आया। सो गाइज अब आप अपना फ्री फायर कैसे अपडेट कर सकते हो? सो गाइज अगर फ्री फायर को अपडेट करना है तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला ये हो सकता है कि 2 हफ्ते में फ्री फायर वापस आ जाए प्ले स्टोर पर, जैसा कि न्यूज़ देखने को मिल रहा है। नहीं तो फिर हो सकता है कि जैसे 40 MB का अपडेट किया था वैसे ही वापस से 50 MB, 60 MB ऐसे करके अपडेट आए, और कोई यहाँ पे उपाय नहीं है। जो अपडेट होगा वो फ्री फायर से ही होगा, ऐसे आप कहीं वेबसाइट से नहीं कर सकते। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, चलता हूँ मैं, टाटा बाय।